नमस्कार दोस्तों। तो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। तो रिजिड रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखो, जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, अब जैसे मेरे पास मान एग्जांपल मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये कार्बन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो ड्यूरिंग रोटेशन ये बॉन्ड, यदि मेरा जो आप देख रहे हो ना इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड जो आप देख रहे हो, यदि ये बॉन्ड वेरी ना करे, इसमें स्ट्रेचिंग ना हो, तो मेरे पास क्या होगा, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब जैसे आप जिम में जाते हो, जिम में आप डंबल देखते हो ना, तो डंबल ऐसे ही तो होता है। अब उस डंबल का जो ये होता है रोड, आयरन का या स्टील का जिसका भी होता है, ये तो ये बिल्कुल फिक्स होता है। आप इसको रोटेट करोगे तो इसमें वेरिएशन नहीं होगा, तो वो क्या है, रिजिड है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, ड्यूरिंग रोटेशन अब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये जो है बॉन्ड होता है ये बाहर की तरफ स्ट्रेचिंग होती है, इसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप क्या लो, एक स्टोन लो, ठीक है, और क्या लो, एक आप लो एक थ्रेड लो, ठीक है। अब उस स्टोन में ना थ्रेड से ना उस स्टोन को बांधो और अपने हाथ से उसको घुमाओ, तो मान लो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हैंड, ठीक है ना। अब ये मेरे पास, ये क्या हो गया, मेरे पास स्टोन हो गया, ठीक है ना। वो स्टोन ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, स्टोन रोटेट करेगा, तो आपको अपने हाथ पे ऐसा महसूस होगा बाहर की तरफ खिंच रहा है, समझ में आया। तो ये थ्रेड क्या हो रहा है, बाहर की तरफ खिंच रहा है, तो ये आपका क्या, नॉन रिजिड है, क्या है, ये नॉन रिजिड है। तो ऐसा ही होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में भी, हमने रिजिड मान के पहले समझा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, समझ में आया। तो देखो, व्हाट वी एज्यूम्ड प्रीवियसली दैट द बॉन्ड लेंथ रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड रोटेटर। लेकिन मॉलिक्यूल जब रोटेट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो उनका जो बॉन्ड होता है उसको क्या करती है, स्ट्रेच करती है, इसे हम नॉन रिजिड मॉडल मानते हैं, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, यहाँ पे अब हुक्स लो हमारा क्या कहता है। अब मान लो देखो, ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया, ये एटम हो गया किसका, मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ खिंच रहा है, समझ में आया। ये मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये क्या ले लेता हूँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। अब देखो समझो, इसको ऐसे समझो, ये इन दोनों, अब ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया सी, ये नाम दे दिया मैंने ए और बी, मेरा ए बी मेरे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है, तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो बाहर की तरफ ये जब स्ट्रेच होता है, कब स्ट्रेच होता है, ड्यूरिंग रोटेशन। ये मॉलिक्यूल मान लीजिए इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये जब बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है, तो ये मान लीजिए ये मेरे पास कहाँ आ गया, यहाँ आ गया स्ट्रेच होने से, ठीक है। तो देखो, ये पहले तो जो डिस्टेंस थी, ये मेरे पास आर इक्विलिब्रियम थी बी की, ठीक है। अब मेरे पास मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास से अब डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई, समझ में। ये फिर वापस इस साइड आएगा, फिर इस साइड, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये इसमें ऐसे वाइब्रेशन होगा ड्यूरिंग, क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा ना, तो हुक्स लॉ ने क्या कहा था, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ है, तो ये मान लो कितना हुआ, एक्स हुआ है। तो देखो यहाँ से टोटल आर में से आर इक्विलिब्रियम घटा दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, आर में से हमने क्या घटाया है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस घटाई है, कोई डाउट है, ठीक है। तो ये है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ टिपिकल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये मेरे पास नॉन रिजिड है, इसमें बाहर की तरफ भी क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। अब ये मेरे पास देखो क्या है, माइनस साइन तो बताता, समझ में आप आ गया होगा आपके, क्योंकि वो अपनी उसी पोजीशन में आप आने की कोशिश करता है, वो बाहर की तरफ ना खींचने के बजाय अंदर की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है, तो अपोज करता है बाहर की तरफ जाने का, स्ट्रेचिंग का क्या करता है, अपोज, तो फोर्स के सामने माइनस साइन आएगा। अब ये देखो मेरे पास क्या है, ये क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट है, क्या है, ये फोर्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अब ये जो मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है, अभी ये हमने जैसे स्प्रिंग होता है हमारे पास, स्प्रिंग में भी हम बताते हैं स्प्रिंग का, स्प्रिंग में भी तो क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बोंड है, तो बोंड के पास भी क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा के। अब गौर से समझना है, तो हमारे पास देखो कोई भी स्प्रिंग हो या कुछ भी हो, अपन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो वाइब्रेशन करता है, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है, एंगुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे रोटेशनल के केस में क्या होगी, के अपॉन में रिड्यूस्ड मास, ये होगी। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। और ये हमारे पास कितना होता है, 2πμ, तो म्यू मेरे पास कितना आ गया, के अपॉन में ये चल रिड्यूस्ड मास हो गया, ये मेरे पास आ गया 2π। ठीक है, अब ध्यान से देखो म्यू को क्या आता है, म्यू मेरे पास क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में लैम्डा। तो म्यू को क्या लिख लिया मैंने, सी अपॉन में लैम्डा, और ये सी को भी मैं कहाँ ले गया यहाँ पे, तो मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा आ गया 1 अपॉन में 2πc√k/μ आ गया। ठीक है, अब जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा क्या है, इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ है, और इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं, वेव नंबर से लिखते हैं, तो वेव नंबर को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि काफ़ी बुक में ना वेव नंबर को इस चीज़ से लिखा जाता है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो, बस कंसेप्ट पर ध्यान देना है, डिनोटेशन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया वेव नंबर। अब देखो दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/4πc²k/μ। ठीक है, अब ये सारा इधर ले जाएंगे तो हमारे पास देखो, ये मैंने यहाँ भी आपके लिए सोल्व करके बताया है, तो जो मेरे पास k का वैल्यू होगा, k मेरे पास क्या आ जाएगा, 4π², ये मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा हुआ है, या ये मैंने वेव नंबर की टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, सी अपॉन में क्या होता है लैम्डा, एम सी म्यू होता है, ये मेरे पास क्या होता है, वेव नंबर होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ कुछ बुक में जैसे मैंने बताया है, इससे भी लिखते हैं, तो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं। अब बात करते हैं हमें, देखो एनर्जी क्या होती है, नॉन रिजिड रोटेटर डायटमिक मॉलिक्यूल की हम एनर्जी की यदि बात करें, तो देखो ये हमारा क्या केस था, ये हमारे पास क्या था, ये रिजिड रोटेटर का केस था। ठीक है, ये किसका केस था, रिजिड रोटेटर का केस था। अब देखो रिजिड रोटेटर, अब लेकिन हमने क्या पढ़ रहे हैं, नॉन रिजिड रोटेटर, तो नॉन रिजिड रोटेटर में क्या होता है, -dj²j+1² समझ में, ये टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये है क्या एक्चुअली में, ये ना अब मोलिक्यूल का जो रोटेशनल एनर्जी तो ये था, लेकिन वो बाहर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से डिस्टोर्शन आ जाएगा उसके रोटेशन में, क्या मोलिक्यूल अच्छे से रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आप खुद ही सोचो, इमेजिन करो इस चीज़ को। ठीक है, तो इस एनर्जी में से क्या होता है, माइनस हो जाता है कुछ। अब देखो ये चीज़ आई कहाँ से, देखो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ से ये चीज़ निकल आती है। तो रोटेशन में क्या हो रहा है, पर्टर्ब हो गया रोटेशन हमारा। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये चीज़ है। तो ये हमारे पास किस में है, जूल में है। और यदि हम वेव नंबर की बात करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, हमने देखो क्या कर देना है, वेव नंबर की टर्म्स में जब हम एनर्जी को लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, एफ जे लिखते हैं या ई जे लिखते हैं, यानी वेव नंबर के टर्म्स में कहने का मतलब है हम एच सी से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये जो दो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये और ये एग्जैक्ट सेम है, आप देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना है यहाँ पे बी जूल में है। देखो क्योंकि जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, एक नंबर है, प्योर नंबर है, बी और डी जो हैं कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, जूल में है, तो एनर्जी जूल में आएगी। अब जब एच सी से डिवाइड कर दिया तो यूनिट किस में आएगी, वेव नंबर में आएगी, यानी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में आएगी। तो वेव नंबर के टर्म्स में हमने ऐसे ही लिखा, सेम चीज़ है, बस फर्क ये है बी और मेरा जो डी है ये किस में लिखे गए हैं, वेव नंबर के टर्म्स में लिखे गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो बी क्या है, मेरे पास रोटेशनल कॉन्स्टेंट है जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था। डी क्या है, डिस्टोर्शन कांस्टेंट है, क्या है, डिस्टोर्शन कांस्टेंट, और इस डिस्टोर्शन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन
कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि रोटेशन में बाहर की तरफ खींचता है मॉलिक्यूल हमारे पास। जैसे मैंने बताया, आप इमेजिन करो आप एक पत्थर को घुमा रहे हो, तो आपको लगेगा आपके हाथ पे महसूस होगा पत्थर बाहर की तरफ खींच रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब वही है मैं कांस्टेंट की जब बात कर रहा था। यदि जूल में लिखेंगे हम तो बी हमारे पास क्या है, एच कट स्क्वायर अपॉन में टू आई इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे एच कट का वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास होता है एच अपॉन में टू पाई, तो ये हमने यहाँ पे रख देंगे, ये जूल में आ जाएगा। और यदि सेंटीमीटर इनवर्स में करना है तो इसको हम एच सी से डिवाइड कर देंगे, तो देखो जब एच सी से डिवाइड करेंगे एक एच से कट जाएगा और नीचे सी बचेगा, तो ये मेरे पास एच सी हो गया। डी मेरे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट है। देखो आप याद इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो, जूल में लिखना है, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर था, एच की पावर फोर हो गया, यहाँ पाई की पावर टू था, पाई की पावर फोर हो गया, यहाँ आई एक सिंगल था, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, देखो इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, याद रखने का तरीका है, आठ की जगह क्या हो गया, बत्तीस हो गया। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। के मेरे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, अब ये तो ऐड हो गई, और ये क्या है, आर स्क्वायर है। अब देखो जो मेरे पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास रोटेशन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास से ये कितना डिस्टेंस है इसका, आर है, इसमें चेंज आएगा इस, और ये फोर्स कॉन्स जो इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड है मेरे पास है, इसका कुछ फोर्स कांस्टेंट होगा के, उसमें चेंज आएगा, तो ये दोनों टर्म भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होती है, तो जिस चीज़ को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर के। अब इसी चीज़ को मेरे को यदि सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना हो, है ना, यानी वेव नंबर की टर्म में लिखना हो, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, वन अपॉन में एच सी से डिवाइड कर दूंगा, एच से देखो ये कटेगा तो सिंपली एच क्यूब आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक सी बचेगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, देखो इक्वेशन फर्स्ट अप्लाइज फॉर सिंपल हार्मोनिक फोर्स फील्ड ओनली। देखो जो ये इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक। अब ये सिंपल हार्मोनिक कहने का मतलब देखो क्या है, सिंपल हार्मोनिक कहने का मतलब देखो ये है, अब मेरे पास ये जो वाइब्रेशन जो हो रहा है ना, ठीक है ना, अब देखो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, अब देखो जितना इधर स्ट्रेच हो रहा है, मान लो इधर स्ट्रेच हो रहा है एक्स, तो इधर भी कितना होगा, एक्स होगा, तो जितना इधर होगा उतना ही मेरे पास इधर होगा, ये होगा मेरे पास हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर की तरफ मान लो तीन सेंटीमीटर खींचा, अंदर की तरफ दो, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ना, जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच के देखो और अंदर की तरफ खींच के देखो, यदि बाहर और अंदर की तरफ दोनों तरीके से खींचा है तो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन हो गए, यदि अनइक्वल हुआ है तो एनहार्मोनिक होगा। समझ में आके बात? तो इक्वेशन फर्स्ट जो है ना सिंपल हार्मोनिक फोर्स फील्ड के लिए है, लेकिन जब यदि एनहार्मोनिक हो तो जो हमारा एक्सप्रेशन है देखो क्या बन जाता है, हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है ये, देखो ये टर्म तो हमारा सेम है, ये क्या है, ये टर्म हमारा सेम है। अब गौर से आपको एक बात ध्यान रखना है, देखो याद रखने का बहुत तरीका आसान है, देखो यहाँ जे जे प्लस वन है, माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर है, प्लस एच यहाँ देखो जे क्यूब हो गया, ठीक है, फॉर्मेट सेम है, यहाँ जे की पावर क्या हो गया, फोर हो गया, तो देखो यहाँ जे की पावर वन था, जे की पावर टू, जे की पावर थ्री, जे की पावर फोर। देखो ये मोस्ट ऑफ द बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया, क्योंकि यदि एग्जाम में आ गया तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखो जो एच के है ना, ये कांस्टेंट ही है, ये डिस्टोर्शन कांस्टेंट ही है, एच और के क्या है, डिस्टोर्शन कांस्टेंट है, जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पर निर्भर करते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। अरे हमने तो बस एक सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, और वो ही सिलेबस में, बल्कि एक हल्का सा ये आपको उसका आइडिया होना चाहिए, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है, वो सिमेट्रिक पोलियाटोमिक, वो सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक टॉप हो सकता है, कैसा भी मॉलिक्यूल वो हमारे पास हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये मेरे पास क्या है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो देखो ये मेरे पास फर्स्ट परटर्बेशन, सेकंड परटर्बेशन, और ये मेरे पास क्या, थर्ड परटर्बेशन। हालांकि ये जो हम तो यहीं तक, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा यही कंसिडर करते हैं, हालांकि जो एच और क्यू होते हैं ना, अब मॉलिक्यूल जब रोटेट करते हैं ना उसमें डिस्टोर्शन तो कैसे भी हो सकती है। अब मान लो घूमता हुआ मॉलिक्यूल है, अब देखो इसको ऐसे समझो, ये रोटेट कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, अब इसमें बाहर स्ट्रेचिंग के अलावा ये इधर उधर भी भाग रहा है,
समझ में आ रहा है? तो रोटेट करते वक्त इसमें किस तरह की भी डिस्टोर्शन हो सकती है, हालांकि वो डिस्टोर्शन जो होती है ना डी के डी से यदि तुलना करें एच और के की तो बहुत ही कम होती है, समझ में आया? और हमारा जो मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा होता है वो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट यही थी हमारे पास, इसी से हम उसको एनालाइज कर लेते हैं एडुकेटली, कोई दिक्कत है? बात करते हैं हम सिलेक्शन रूल की, तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो हमारा रिजिड रोटेटर के केस में सिलेक्शन रूल था वही सिलेक्शन रूल यहाँ भी है, डेल जे हमारे पास क्या क्या होता है प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है? यदि हम बात करें ट्रांजिशन की, तो देखो ट्रांजिशन में क्या होगा, तो वेव नंबर देखो दो हमारे पास स्टेट होगी, ठीक है? अब ये मेरे पास ये जे प्लस वन हो गया और ये जी होगा, और जैसे तो सिलेक्शन रूल वैलिड हो रहा है तो इसमें ट्रांजिशन होगा, ठीक है? तो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ठीक है ना, ये हम क्या वेव नंबर की हम वेव नंबर के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो देखो ई जे प्लस वन माइनस ई जे, या हम इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे एफ जे प्लस वन माइनस एफ जे, ठीक है ना? अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बी जे ये होता क्या है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये हो गया बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन, यही तो होता है, ठीक है? अब देखो ये तो टर्म सिंपली मेरी यहाँ आ गई जो मैंने ये ऊपर लिखी हुई है, ठीक है? अब बात करें हम इसकी, ये जो ये यहाँ पर आई है और ये मेरे पास यहाँ पर आई है और ये जो बीच में माइनस साइन है मेरे पास ये रहा, देखो जे प्लस वन है, अब देखो यहाँ जे प्लस वन लिख दिया, यहाँ जे प्लस वन लिखेंगे क्या होगा, जे प्लस टू हो गया, ठीक है? माइनस साइन लगाएंगे डी, यहाँ जे प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो जे प्लस वन का स्क्वायर होगा, जहाँ जे प्लस वन लिखेंगे प्लस वन है तो जे प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली ये आ गया। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, अब मैंने b वाला कॉमन ले लिया, देखो यहाँ b j प्लस वन जे प्लस टू, यहाँ b j j प्लस वन है, ये उठा लो। अब देखो अब इसमें b j प्लस, समझ में आ रहा है मैं क्या, ये मैंने उठाया b कॉमन ले लिया, b कॉमन आ गया j प्लस वन जे प्लस टू जे जे प्लस वन, ये आ गया। अब d कॉमन ले लो, ये d कॉमन ले लिया ये, और मेरे पास ये जे स्क्वायर जे प्लस वन वाली टर्म देखो यहाँ आ गई, और ये जो मेरे पास ये जे प्लस वन स्क्वायर ये वाली टर्म थी यहाँ थी, कोई डाउट है? अब दूसरा ये जे प्लस वन भी है, जे प्लस वन भी है, ये भी उठा लो, अंदर क्या बचेगा, जे प्लस टू माइनस जे, तो जे प्लस जे से जे कट गया दो बचेगा, ये आ गया। इसी तरीके से जे प्लस वन स्क्वायर यहाँ जे प्लस वन स्क्वायर यहाँ है, कॉमन ले लेंगे इसको अंदर, इसको खोल देंगे तो हमारे पास सिंपली ये आएगा, ठीक है? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कर लेना और कुछ नहीं है। अब आप गौर से याद रखने का भी तरीका देखो बहुत सिंपल है, अपने ध्यान हो रिजिड रोटेटर के केस में यहाँ तक तो आता ही था, है ना? तो रिजिड रोटेटर के केस में जो ट्रांजिशन होता था तो ट्रांजिशन कितना आता था, टू बी जे प्लस वन ट्रांजिशन आता था, ध्यान हो आपके, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था ये डायरेक्टली देखो जे प्लस वन से ट्रांजिशन जे में हुआ है ना, और बताया था जो एनर्जी डिफरेंस जो ये आया है जो ट्रांजिशन आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बड़े वाले रोटेशनल क्वांटम नंबर के, है ना? माइनस देखो याद रखने का आसान तरीका है, दो है या चार है, जे प्लस वन है जे प्लस क्यूब है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है? एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखो ये रिजिड रोटेटर का केस है, ये एक तरीके से डिफरेंस भी हमारे पास हो गया, ये नॉन रिजिड रोटेटर का केस है जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है? अब देखो इस रिजिड रोटेटर में तो सिंपली 0, 1, 2, 3 हो गया, ठीक है? अब देखो इसमें कुछ घट रहा है, ये कुछ घट रहा है तो एनर्जी कमी आएगी, एनर्जी लेवल देखो आप देख सकते हो कम आ रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है ना कम, समझ में आया मैंने क्या बताया, ये डैश इससे पता चल रहा है, सीधी सी बात है। अब देखो अब बात करें यदि ट्रांजिशन की, देखो ट्रांजिशन में भी -4dJ+1³ आ रहा है ना, तो इसमें भी ट्रांजिशन में भी जो मतलब वेव नंबर पहले लाई करेगा, है ना, माइनस हो रहा है ना कुछ, तो जे प्लस वन से जो जे में ट्रांजिशन हुआ था जो हमारे पास वेव नंबर आया है वो थोड़ा सा कम आया है, उसमें कुछ घट रहा है, तो हम यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। देखो रिजिड रोटेटर के केस में हमने क्या देखा था, देखो पहले ट्रांजिशन में क्या था, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, और हर दोनों दो ट्रांजिशन लाइन के बीच का डिफरेंस कितना आता था,
टू भी आता था, जैसे यहाँ भी टू बी, यहाँ भी कितना है टू बी, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है टू बी, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है टू बी। लेकिन नन रिजिड में ऐसा नहीं है, है ना। देखो रोटेशनल लाइन थोड़ा सा पास पास होने लगी है ना, क्योंकि देखो कुछ घट रहा है ना, जो ट्रांजिशन हुआ है ना उसमें से देखो यहाँ देख सकते हैं कुछ घट रहा है, तो वो क्या आई हुई है देखो ये थोड़ा सा कम आने लगी ना। देखो स्टार्टिंग में तो हल्का सेम सा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जे का वैल्यू कम रहेगा तो उसका क्यूब हो रहा है। अब जैसे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब जैसे ही जे का वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत, मतलब ये बहुत ही कम वैल्यू होगा। अब देखो इसका मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो मेरे पास कोई 0.1 है, कोई कम वैल्यू है, अब इसको इस कम वैल्यू को आप क्यूब करो तो ये और कम हो जाएगी, तो और कम में से घटाएंगे तो स्टार्टिंग में कुछ इतना नहीं पता चलेगा, हालांकि बहुत कम डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जैसे जे का वैल्यू ज़्यादा होगा हम इसको देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज होने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमने रोटेशनल लाइंस आर नॉट एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंट, जो कि रिजिड रोटेटर में था, ठीक है ना। सेपरेशन डिक्रीजेज स्लाइटली विद इंक्रीजिंग जे, देखो सेपरेशन घटने लगा है ना जे के साथ। ये क्यों होता है, ये क्योंकि मोलिक्यूल नन रिजिड है, इसी वजह से ये हुआ है, समझ में आया। इसी इस टर्म की वजह से तो हुआ, दे स्ट्रेच वाइल इन रोटेशन, रोटेशन के दौरान वो क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, और जैसे जैसे रोटेशन बढ़ता है स्ट्रेचिंग भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये नॉन रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि रिजिड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस होता है रिजिड में सेम रहता है, वो कितना होता है टू बी, लेकिन नॉन रिजिड में धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़नी है क्या, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कॉन्स्टेंट। अब देखो डी हमारे पास क्या है, ये सेंटीमीटर में लिया है, इनवर्स में लिया है, वेव नंबर के टर्म्स में लिया है, आप जूल में भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। डी क्या होता है, एच क्यूब 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी, और बी का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो जो डी था ना हमारे पास, मैंने देखो उसको क्या किया, देखो सिंपली एच है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ क्या, मैंने इसमें ना बी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एच 8 पाई स्क्वायर आई सी और उसका क्यूब कर दिया, ये मैंने पूरा बी लिखा है, ये पूरा बी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ देखो एच का क्यूब करो ये आ गया, अब जब यहाँ 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 का क्यूब करेंगे 512 आएगा, तो मैंने ऊपर क्या कर दिया 16 कर दिया, ताकि 512 को जब 16 से डिवाइड करूँगा 32 आ गए। अब देखो यहाँ पाई की स्क्वायर है, यहाँ कितना है 3, तो पाई की पावर 6 हो गया, तो मुझे मैंने ऊपर क्या कर दिया पाई की पावर 2, ताकि नीचे पाई की पावर ये 4 आ जाए, इसको मैनेज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पाई की पावर कितना है 3 आएगा, मैंने एक आई ऊपर लगा दिया क्योंकि यहाँ पाई की पावर 2 है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, समझ में आया, बहुत सिंपल है। ये सी था, ये सी का क्यूब है, तो ऊपर मैंने क्या कर दिया सी स्क्वायर कर दिया, और आर स्क्वायर ये के एज इट इज़ रखा, तो ये मेरे पास क्या बन गया बी क्यूब बन गया, ठीक है। कोई डाउट है, ये 16 आई सी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो मैंने के का वैल्यू ऊपर आपको बताया था ये आपको याद भी होना चाहिए, तो के का वैल्यू हमारे पास कितना 4 पाई स्क्वायर वेव नंबर सी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है रिड्यूस्ड मास, तो मैंने ये लिख दिया। देखो पाई स्क्वायर से हमारे पास क्या हो गया, पाई स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से हमारे पास सी स्क्वायर कट गया, ठीक है, 4 से हमने इसको काट दिया। देखो म्यू आर स्क्वायर क्या होता है, म्यू देखो ये म्यू आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है, तो ये भी कट गया, समझ में, तो 4 बी क्यूब ये बचा, ये हमारे पास क्या है रिलेशन है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये रिलेशन इस तरीके से मिलेगी, डी इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगी डी इज इक्वल टू 4 बी क्यूब, और ये इस तरीके से लिखी मिलेगी हमें, ठीक है, समझ में। अब देखो ये एक्चुअली में वेव नंबर को इससे लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो। देखो बी भी वेव नंबर में, ये भी वेव नंबर में, ऊपर क्यूब है ऊपर 2 है, तो 2 से 1 2 कटेगा, एक ही क्यूब एक ही बचेगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आ गया, है ना। तो ये है, जूल में भी वही सेम चीज़ है, जूल में लेना पड़ेगा नहीं तो। तो ये है जिस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, आप कहोगे तो वेव नंबर बता रहे थे, अब लिख दिया कि ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो इसका मतलब ये वेव नंबर ही है,
नहीं तो आप ये लिखो, नहीं तो सिंपली इसको क्या लिखो, वेव नंबर, ठीक है। नहीं तो वेव, यदि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लिख के ये ना लिखो तो गलत हो जाएगा। अब उसने बता दिया वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले उसमें, बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है। डी का वैल्यू से हम जे निकाल सकते हैं और ये डी हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है ना। कोई डाउट है? ये तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।